जी कैसे देखिए, हमारी गाय को जो है कुर्बानी करने की तैयारी की जा रही है। कसाई जो है उसको बांध रहे हैं और अब हमारी जो है गाय बेचारी मासूम सी जो कल खरीदी आज पड़ी हो जाएगी। अच्छा, मैं नीचे ज़्यादा जाकर वीडियो और नहीं बना सकती थी क्योंकि मैं जितना यहाँ से मैं शो कर पा रही थी आप लोगों को, आप लोगों के लिए, तो बस मैं उतना शो कर पा रही थी क्योंकि नीचे सारे जेंट्स वगैरह थे और कसाई वगैरह भी आए हुए थे, तो अच्छा नहीं लगता जाहिर सी बात है। और मेरे हस्बैंड ने भी कहा था कि भाई आप ऊपर से ही बना लीजिएगा वीडियो, तो मैंने बस जितना आप लोग को दिखा सकती थी। और बस टोटल टॉपिक यही चल रहा था कि बस गाय को कैसे गिराना है, उसके पैर में फंदा कैसे दें बेचारी, और बहुत अफसोस होता है ज़ाहिर बात है, लेकिन एक जानवर जो है अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा होता है तो अल्लाह ताला से इतनी तकलीफ़ नहीं देते। यहाँ पर हमारे का जो है ईज़ली जो है बेचारी गिर गई थी, मासूम सी गाय हमारी, शुरू में थोड़ी सी वैसी थी ये, तंग कर रही थी सबको, मार रही थी, बट ऐसे ऐसे एडजस्ट कर गई थी हमारे घर में। और कट चुकी थी इसका जो, ये गिर गई थी आसानी से, कोई इसको ने बेचारी ने कोई शोर शराबा नहीं किया, बेचारी कल खड़ी थी आज ये पड़ी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको ईद का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ़ से, मेरे सारे व्यूअर्स को, मेरे सारे देखने वालों को ईद का पहला दिन बहुत मुबारक हो। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। और अच्छा जनाब, आज जैसे कि बकरा ईद है, बड़ी ईद का दिन है और काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जी गाइस काफ़ी काम तो हमने निपटा लिए हैं, इस वक्त तो काम का आगाज़ हुआ है और अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। अच्छा, चेंज मैंने इसलिए अभी तक नहीं किया क्योंकि मैं सारे काम निपटा कर चेंज करती हूँ। और आज मेरे साथ एक ट्रेजडी भी क्या हो गई है कि टेलर ने मेरा सूट नहीं सिया, टेलर ने मेरा सूट नहीं सिया जो मैं घर में पहनने वाली थी, जो मैं घर में वेयर करने वाली थी। मैं घर में वेयर करने वाला अलग और बाहर के आने जाने का मैं अलग स्टिच करवाती हूँ ताकि कहीं आना जाना हो तो मैं अलग पहनूं। और घर में अक्सर काम में जो ख़वातीन जाए बात है, बड़ी ईद पे ख़वातीन का काम ही किचन का होता है तो ख़राब हो जाते हैं कपड़े पसीने में, तो इसलिए मैं घर के जो कपड़े हैं छोटी ईद पे भी मैं अलग ही रखती हूँ। तो जो मेरा घर में पहनने वाला ड्रेस था वो टेलर ने स्टिच नहीं किया है और इसी वजह से मैं काफ़ी टेंशन में थी, बट लेट्स सी क्या करते हैं आगे। तो इंशाल्लाह मैं अभी काम करने के बाद जो है मैं रेडी होंगी तो आप लोगों से दोबारा मिलूंगी और शाम में इंशाल्लाह हम रेडी होंगे और रेडी होकर मैं आपको अपना फाइनल लुक भी दिखाऊंगी और उम्मीद करती हूँ। अच्छा जी, हमारा जानवर जो बेचारा कल खड़ा था आज वो नीचे पड़ा हुआ है और जानवर की कुर्बानी शुरू हो चुकी है, काफ़ी हद तक वो कट भी चुका है बेचारे का, गोश्त बन रहा है अब तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आप लोगों की ईद अच्छी गुजर रही होगी और अच्छी गुजरेगी भी। तो इंशाल्लाह आपसे शाम में मिलती हूँ, मैं तैयार होकर अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको। अच्छा जी गाइस, यहाँ पर देखिए मेरा रूम जो है काफ़ी मैसी हो रहा है, थोड़ा सा फैलावा हुआ है मेरा रूम इस टाइम। और जो है मैं इस टाइम बेड शीट बिछाने आई थी, मैंने बेड शीट निकाल के रखी है यार, इसके जो कपड़े मैंने भी उनको चेंज करवाए थे उसके हैंगर्स पड़े हुए, ये भी समेटना है, इसको मैं जगह पर रख देती हूँ। इसकी रात की चादर है उसको भी समेट देती हूँ तकरीबन। और ये मैंने बेड शीट निकाली है अपनी, मैं बेड शीट बिछाऊँगी फिर मैं आपको अपने रूम का फाइनल लुक दिखाऊँगी।
अच्छा जी गाइज, यहाँ पर देखिए मैंने अपना रूम जो है वो टोटल जो है क्लीन कर दिया है, मैनेज कर दिए हैं सारी चीज़ें और बेडशीट भी बिछा दी है जो कि बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये कुशन्स पे मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम लिखा है, मैं थोड़ा सा आपको जूम भी कर देती हूँ। ये देखिए ए से और आर। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये सेटिंग कैसी लगी। चलिए जी अभी काम बहुत है तो आपसे बाद में मिलते हैं। अच्छा जी यहाँ पर देखिए गैस बिरयानी का मसाला बिल्कुल रेडी है और बहुत डिलीशियस लग रहा है देखने में, तो अब मैं इसकी तय बिछाऊंगी चाहूँगी। बिरयानी का मसाला मैंने तय के लिए डन कर लिया है और यहाँ पर चिकन भी मैंने मैरिनेट करके रख दी है, तंदूरी चिकन का मसाला। और यहाँ पे थोड़ा सा मसाला इसका भुन रहा है। अच्छा जब मैं फ्री होके नीचे गई हूँ तो नीचे जो है लोग सब गोश्त की तैयारी कर रहे थे, गोश्त डिस्ट्रीब्यूशन चल रही थी, सबको गोश्त बांटा जा रहा था। मैं ज़्यादा स्टे नहीं किया क्योंकि मुझे वॉमिट शुरू हो जाती है। अच्छा यहाँ पर जो है शाम का टाइम हो गया था और आरिश के मैंने ड्रेसेस निकाल दिए थे, ड्रेस निकाल दिया था क्योंकि इनकी फुप्पू आने वाली थी, तो आरिश का परफ्यूम उनकी वॉच मैंने रेडी करके रखी थी ताकि कोई। आपको अच्छी लग रही है? तो जी गाइस आरिस रेडी हो चुके हैं और मैंने अपने लिए मेकअप का सामान निकाल लिया है ताकि जिन चीज़ों से मैं तैयार होंगी और एक परफेक्ट लुक तैयार होकर आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैं रेडी होती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। सो जी गाइस फाइनली जो है मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं बिल्कुल हल्का फुल्का सा रेडी हुई हूँ और बिल्कुल सिंपल सा मैं रेडी हुई हूँ। जी बेटा आरिस भी तैयार हो गए हैं क्योंकि इनकी फूफू आने वाली हैं और मैंने जो है ड्रेस आपने मुझे पिछली वीडियो में पहने हुए देखा होगा और मैंने बस एक दो दफ़ा ही ड्रेस पहना होगा। तो आज की जैसे मैंने आपको ट्रेजडी बताई कि टेलर ने मेरा सूट नहीं सिया जो मुझे आज वेयर करना था, तो ये है मेरे ड्रेस की लुक आज मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए मैंने हल्का हल्का सा आई शेड और हल्का हल्का सा मैं रेडी हुई हूँ बिल्कुल, और मैंने सिंपल से बस छोटे छोटे से जो देखिए इयर रिंग्स वेयर किए हुए हैं और ये देखिए आज इसकी हरकतें। तो इनकी फूफा आने वाली हैं तो मैं वहाँ जाती हूँ काम देखती हूँ। तो जी गाइस फाइनली जो है पार्टी ओवर हो चुकी है हमारी और मेरी जो नंद है वो भी जा चुकी हैं और इस वक्त अब हम जा रहे हैं, अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड आ गए हैं और आज अभी बारिश भी बहुत तेज़ हो गई है यहाँ पर। और मैं कहा अपना व्लॉग एंड कर दूँ क्योंकि लाइट का थोड़ा इशू है, लाइट गई हुई है और मैं क्या सोलर चल रहा है इस टाइम। तो उम्मीद करती हूँ आज का जितना भी व्लॉग बना है आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।